हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो। और तो आजकल क्या हो चल रहा है कि सैमसंग के फारपी के ऊपर चल रहा है गाइस। मैं आपको बता दूं तो सैमसंग के फारपी कोई फिक्स नहीं है गाइस। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि इमरजेंसी मेथड पे अभी काम कर रहा है, इमरजेंसी कोड पे काम कर रहा है। फिर देखिए क्या होता है, जैसे ही एंड्रॉयड पैच चेंज होता रहता है, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 9, तो वैसे वैसे इसकी एफआरपी पैच भी चेंज होती रहती है गाइस, मैं आपको बता दूं। बट फिर भी अगर आप तो जो अभी इसके वीडियो के रिलेटेड, आपको एफआरपी से रिलेटेड अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर। सकते हैं, वो आपके लिए वीडियो नहीं है। जो अभी सर्च कर रहे हैं या उनको नहीं पता है कि अभी भी एफआरपी हम कहां कहां से हटा सकते हैं या फिर एफआरपी बाईपास कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं गाइस। तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा, बट आपको वीडियो पता है तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, वीडियो वो आपके लिए नहीं है। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनलॉक टूल के ऊपर, मैं आपको बता दूं अनलॉक टूल में आप कहां कहां से एफआरपी हटा सकते हो बहुत इजी तरीके से, या यूएमटी से कहां कहां से आप एफआरपी हटा सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको सिंपल और सिंपल यहाँ पे सैमसंग का टैब दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है सैमसंग का टैब। इस सैमसंग के टैब में जाने के बाद आपको गाइस कोई भी ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पर कुछ कमेंट ये भी आते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो मीडियाटेक सीपीयू है, जो क्वालकॉम सीपीयू है, यहाँ पे लोग वहां भी परेशान होते रहते हैं। तो मेरे भाई, आप इमरजेंसी मेथड, अगर आपका सीपीयू क्वालकॉम है, अगर आपका सीपीयू मीडियाटेक है, तो आप ये वाला मेथड क्यों यूज कर रहे हैं? आप सीधा अपना ब्रांड वाइज जाइए। अगर आपका मीडियाटेक है तो सीधा आप नीचे आइए, यहाँ पे आपका ब्रॉन या तो ऑथ लिखा होगा गाइस। मैं देखिए, जैसे ये ईडीएल लिखा हुआ है A02S, ये ईडीएल, ये आपका ईडीएल पोर्ट पे काम करेगा। और यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A13 5G, ये ब्रॉन लिखा हुआ है, मतलब मीन से गाइस ये मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ है। तो गाइस कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका जाइनोक्स सीपीयू है तो आप इमरजेंसी यूज करिए, अगर आपका जाइनोक्स सीपीयू नहीं है, अगर आपका मीडियाटेक है या क्वालकॉम है, तो गाइस आप सीपीयू वाइज काम करिए, आपका 110% एफआरपी रिमूव होगा। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का भी मैसेज आ रहा था कि सर ये कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आपका जो सीपीयू है, अगर आप सैमसंग के एफआरपी आप हटा रहे हो, तो गाइस आपको अपना पहले सीपीयू चेक करिए कि वो जाइनोक्स सीपीयू है कि मीडियाटेक है कि क्वालकॉम है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जाके काम करिए गाइस। तो ज्यादा आपको समझ में आएगा और ज्यादा आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है गाइस। तो फिलहाल अगर मैं सबसे पहले जाइनोक्स सीपीयू की बात करूं, तो जाइनोक्स सीपीयू की एफआरपी आप अभी, अगर आपका स्टार है, 0 स्टार है, काम कर रहा है, इमरजेंसी आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार अपने फोन को प्रॉपर फिर से हार्ड रिसेट मार दीजिए, उसके बाद करिए, हो सकता है आपका आ जाए। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे रिव्यू एफआरपी कर सकते हैं। अगर आपका सीपीयू मीडियाटेक है तो सीधे अपने ब्रांड वाइज जाइए, मॉडल वाइज जाइए, और यहाँ पे ब्रॉन लिखा होगा, आप इसके मेथड से मीडियाटेक ब्रॉन मेथड फ्लैश मोड मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं, वैल्यूम अप वैल्यूम डाउन या तो टेस्ट पॉइंट होता है। अगर आपका सीपीयू ईडीएल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसका ईडीएल टेस्ट पॉइंट ढूंढिए और वहां पे इसका ईडीएल पॉइंट बनाइए, पोर्ट बनाइए, जिससे आप उसे एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तीनों ही मेथड आपके काम नहीं हो रहे हैं, तो गाइस सिंपल और सिंपल आप बाईपास करिए। बाईपास करने का भी तरीका मैं यहाँ पे कुछ कवर कर दे रहा हूँ, कैसे आप बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एमटीपी एफआरपी बाईपास, तो आपको यहाँ पे एमटीपी एफआरपी बाईपास पे क्लिक करना है। जैसे आप एमटीपी एफआरपी बाईपास पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे, जैसे आप ब्राउज यूट्यूब वाला आप देखते हैं, यहाँ पे तो काफी सारे ऑप्शन से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग ब्राउजर, आप डायरेक्ट यहाँ पे सैमसंग ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब ओपन कर सकते हैं गाइज, क्योंकि बहुत अच्छी फीचर्स होती है। अगर आपका यूट्यूब खुल गया या फिर आपका यहाँ पे सैमसंग ब्राउजर खुल गया, तो बहुत इजी तरीके से जो भी आपका एंड्रॉयड पैच है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको मैं इसलिए पहले ही बोला था, लास्ट दिन तक मैंने बताया आपको, क्योंकि काफी सारे लोग केवल सैमसंग मेथड को समझ करके मीडियाटेक सीपी को भी और क्वालकॉम सीपी को भी सेम मेथड कर रहे हैं, तो काम नहीं हो रहा है गाइस। ये अपडेट वीडियो थी, क्योंकि आपको परेशान नहीं होना है, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप और सिंपल वे से काम करना है। और रही बात यूएमटी, यूएमटी का सैम टूल आता है, उस टूल में भी जा करके, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यूएमटी का सैम टूल आता है, यहाँ पे भी जा करके आप एफआरपी रिमूव कर सकते हैं और एफआरपी बाईपास और अपना यूट्यूब भी खोल सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको अपडेट वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आपको अगर प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो हमारे आई बटन में जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, आपको वहां पे इसके प्रैक्टिकल वीडियो भी मिल जाएंगे कि मैंने अनलॉक टूल से ये प्रोसीजर किया है नहीं किया है, यूट्यूब ओपन होता है नहीं होता है, तो ये आपको प्रैक्टिकल वे वीडियो देखने को मिल जाता है गाइज। तो आई होप वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये हेल्पफुल वीडियो सैमसंग एफआरपी के ऊपर कैसा रहा आपका वीडियो, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।